हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2D एरे के एक नए प्रोग्राम के बारे में। जो प्रोग्राम ये है कि अगर हमें ये चेक करना हो कि कोई दिया गया मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग की सीरीज में हमने सारे प्रोग्राम्स कर लिए थे और इस थर्ड प्रोग्राम में ए में नल मैट्रिक्स भी चेक कर लिया था और डायगोनल मैट्रिक्स भी चेक कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के दोनों प्रोग्राम को करने वाले हैं कि कोई दिया गया मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ये रहा हमारा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में हमें यही चेक करना है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है नहीं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कौन सी मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जो 3x3 का मैट्रिक्स है। तो इसमें होता क्या है कंसेप्ट कि जो भी डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट, देखिए वर्ड है अपर, अपर मतलब ऊपर, लेकिन हम यहाँ उल्टा कर लेते हैं। जो भी डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स है वो के सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। बाकी वैल्यूज कुछ भी हो, आपको कुछ मतलब नहीं, उसे 2, 3, 4, 1, 8 कुछ भी हो, जीरो भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैंडेटरी है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसके नीचे के सारे वैल्यूज जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है। A 3x3 लेना है, इसमें वैल्यूज को पूछना है। आपको पता है कैसे वैल्यूज को पूछते हैं, ये रहा मेरे वैल्यूज का इनपुट जो हमारे 2D एरे के लिए इनपुट होगा, ठीक है। वैसे ही हमने इस 2D एरे को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। मतलब ये तो बिल्कुल फिक्स ही हो चुका है कि हमें इतना तो करना ही करना है, ठीक है। एंड इनपुट को डिस्प्ले मतलब इनपुट लेना ही है यूजर से और उस मैट्रिक्स को हमें शो करना ही करना है। अब आता है क्वेश्चन कि कैसे हम जस्टिफाई करेंगे कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है, जो ए नाम का मैट्रिक्स है, वो अपर ट्रायंगुलर है या नहीं है। तो एक वैल्यू मान लीजिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है। हमने यहाँ दिया 1, 2, 3, कुछ भी दे सकते हैं, 4, 5 और क्या 6, ठीक है। तो डायगोनल के नीचे यहाँ पे भी 4 नहीं हो सकता, यहाँ पे भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डायगोनल के नीचे के सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये डाला है आपको, एक तरह से मैंने सारे एड्रेसेस को डाल दिया है एक ही जगह पे। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो अगर यहाँ पे इसको हम क्रॉस कर दें तो डायगोनल के नीचे अगर वाले पार्ट में आएंगे तो देखिए ये 1 का 0 होता है, ये 2 का 0 होता है, ये 2 का 1 होता है। यानी कि इस केस में I 1 है और J क्या है, 0 है। I क्या है, 1 है और J क्या है, 0 है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट में I क्या है, 2 है और J 0 है, तो I 2 हो गया और J क्या हो गया, 0 हो गया। वैसे ही इस केस में भी I जो है 2 है और J 1 है, तो I 2 है और J क्या है, 1 है। अब हमें इन तीनों को देखना है, इन तीनों को देख के ये समझना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 0। तो कब कब 0 होना चाहिए, जब I की वैल्यू बड़ी हो किससे, J से। देखिए तो 1 बड़ा है 0 से, 2 बड़ा है 0 से, 2 बड़ा है 1 से। यानी कि जब जब I जो है वो बड़ा है किससे, J से, तब तब ए के आई के जे में रखी हुई वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें चेक करना होता है तो हम ठीक इसका उल्टा लिखते हैं। तो हमने क्या लिखा कि जब लूप तो वही लगाया हमने, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 0, क्यों, क्योंकि ये लूप तो नॉर्मल लूप है। इसमें हमने ये लगाया कि जहां पे आई बड़ा है जे से वहां पे चेक करो कि क्या ए के आई के जे में रखा हुआ वैल्यू 0 नहीं है। क्योंकि 0 अगर नहीं है तब हम कह सकते हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि 0 होना चाहिए। तो अगर ए के आई के जे में रखा हुआ वैल्यू 0 नहीं है तो फ्लैग को 1 कर दो और ब्रेक कर दो। तो एक फ्लैग को 1 करने का मतलब क्या हुआ, इनिशियली हमने फ्लैग को कितना पे सेट किया, 0 पे। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि हाँ ये मैट्रिक्स जो है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे ही हमें 0 नहीं मिला, मतलब आई बड़ा था जैसे, यानी कि इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए, और वहां पे रखी हुई वैल्यू हमें 0 के बराबर नहीं मिली, हमने फ्लैग 1 कर दिया और लूप को टर्मिनेट कर दिया। लूप से बाहर आते ही हमने चेक कर लिया कि क्या फ्लैग 1 है। तो जब फ्लैग 1 कब हुआ था, जब उस पर रखी हुई वैल्यू 0 नहीं थी, तो हमने कह दिया जब 0 नहीं है यानी कि हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अदरवाइज हम कह देते हैं कि हाँ ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। तो ये है प्रोग्राम अपर ट्रायंगुलर के लिए। बस इसको उल्टा कर देंगे तो वो ये हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर। कैसे, यहाँ पे देखिए अगर आपको एक एग्जांपल मिले तो लोअर ट्रायंगुलर क्या होगा, तो लोअर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि इस जो है डायगोनल के ऊपर, देखिए अपर है तो लोअर में देखेंगे, लोअर है तो अपर में देखेंगे, इस डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो किसके किसके एलिमेंट 0 होने चाहिए, तो 0 के 1 का एलिमेंट 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर से 0 के 2 का और 1 के 2 का। इस केस में क्या होता है, देखिए जे बड़ा है किससे, आई से, जे बड़ा है किससे, आई से, जे बड़ा है किससे, आई से। तो बस यहाँ पे ये लग जाएगा कि जिस जिस केस में जे बड़ा है किससे, आई से, और उसमें रखी हुई वैल्यू 0 नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
हो जाएगी, राइट। बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोग्राम को अगर आप रन करना चाहते हैं तो ये देखिए मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम टाइप करके रखा है। ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइन बाय लाइन सेम प्रोग्राम है कि हम एक 3x3 मैट्रिक्स की एंट्री ले रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर दे रहे हैं और यहाँ चेक कर लेते हैं कि जिस केस में आई बड़ा हो, जैसे उसमें ये और ये मेरे की वैल्यू 0 नहीं हो तो फ्लैग को 1 कर दो, लूप से बाहर निकल के चेक कर लो, अगर फ्लैग 1 है तो अपर टर्मिनल मैट्रिक्स नहीं, अदरवाइज है। रन करते हैं इसको, ठीक है। रन किया हमने, यहाँ पे ये वैल्यू पूछेगा, जैसे 9 वैल्यूज पूछेगा, तो मान लीजिए मैं वैल्यू देता हूँ क्या 1 2 3, ठीक है। पहला 0 देता हूँ क्योंकि अब ये डायगोनल एलिमेंट होगा, मैं उसी तरीके से वैल्यूज दे रहा हूँ 4 5, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा और फिर होगा 6। तो ये देखिए जैसे ही आया, आपने देखा यहाँ पे ये सारे जो डायगोनल एलिमेंट है उसके नीचे ये तीनों 0 है, इसलिए कह रहे हैं कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे ही आप डिफरेंट वैल्यूज डाल के ये चेक कर सकते हैं कि आपका दिया गया मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है या नहीं है, और थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके सेम प्रोग्राम बन जाता है कौन सा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।